तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 9 तारीख से लेकर 25 तारीख तक यहाँ पर पितृपक्ष का मेला लगने वाला है। तो लग चुका है मेला, पितृपक्ष का मेला, और देख सकते हैं आप कि पूरे शहर को सजा दिया गया है, पूरा गया जी को सजा दिया गया है। इस पुल का नाम गया जी पक्षीवाले में रखा गया है, तो पूरे शहर के रास्तों को भी सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए रात को किस तरह से दिखता है, ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये डैम। अब देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये डैम का जो दृश्य है, रात का सीन है, ये रात का दृश्य है, ये रात में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है इसको, और यहाँ पर पर्यटक आना शुरू कर दिए हैं मेला घूमने के लिए, और काफ़ी भीड़ लग रही है। ये रात का समय है, फिर भी देखिए रात को भी कितनी भीड़ है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद 9 तारीख से यहाँ पर मेला लगने वाला था, पितृपक्ष का मेला। वो लग चुका है अब और खुल चुका है आम जनता के लिए। ये डैम पूरी तरह से खुल चुका है, आप कोई भी यहाँ पर जाकर मेला घूम सकता है, यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ़ उठा सकता है, मज़ा ले सकता है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है वहाँ पर अभी, और काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं पर्यटकों के लिए। वहाँ पर मेला घूमने आने वालों के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये विष्णुपद मंदिर है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डैम जो है भारत की सबसे बड़ी रबर डैम है, और बिहार की पहली रबर डैम है। एक्चुअली में भारत में दो रबर डैम है, जो ये दूसरी कही जा रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी और लंबी है। इसकी लंबाई 411 मीटर की है, आपको मैंने बताया था, और ये काफ़ी लंबा है। ये एक्चुअली में फल्गु नदी पर बन गई है, और इस नदी में इससे पहले सिर्फ बारिश में ही पानी दिखता था, लेकिन अब बांध बांधे जाने की वजह से गंगा जी के पानी को यहाँ पर अब रोक के रखा जाएगा। इसका ये भी फायदा है पर्यटकों के लिए कि जो पिंड दान करने आते हैं वो अब यहीं पर पिंड दान कर पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, सबको जाकर एक बार ज़रूर घूमना चाहिए वहाँ पर, इस मेले का मज़ा लेना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये रबर के डैम पर ये स्टील की पुल बनाई गई है, स्टील की है, और ये पुल काफ़ी हद तक हावड़ा के ब्रिज से मिलती जुलती है। लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि ये सेकंड हावड़ा का ब्रिज है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गया जी का ब्रिज है, इसका नाम गया जी रबर ब्रिज रखा गया है। गया जी को लोग, गया को ही लोग प्यार से यानी कि आदर से गया जी कहते हैं। आप जानते ही होंगे कि गया जो है काफ़ी तपस्वियों का भूमि रहा है, और बोध गया भी यहीं पर पड़ता है। देख सकते हैं आपके कितना अच्छा इंतज़ाम किया गया है सरकार की तरफ से, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, और ये साफ़ सफाई की भी व्यवस्था भी अच्छी है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो साफ़ सफाई का ज़रा ध्यान रखें।